भारत की राजधानी दिल्ली का ये जंतर मंतर रोड है, यहाँ अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। और आज के जो कल का जो जजमेंट है एनजीटी का, उन्होंने बोला है कि यहाँ ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण होने के कारण यहाँ आसपास के क्षेत्र के अंदर खतरा है। उन्होंने आदेश दिया है कि यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं होंगे, यहाँ से धरना प्रदर्शन हटा के रामलीला मैदान का उन्होंने आश्वासन दिया है। और ये आज से नहीं, ये अनिश्चितकालीन धरना है, तिथि 3/7/2017 से अनिश्चितकालीन धरना ये लगातार चलता हुआ आ रहा है। और आगे चलते हैं कि एक धरना ये है, आगे धरना ये और भी है, और एक धरना ये है, एक सज्जन है वो अपने इस धरने पे वो सो रहे हैं। आगे की और देखते हैं कि किस किस प्रकार से यहाँ धरना चल रहे हैं। इधर एक चाय वाले की दुकान है, जो ये धरना प्रदर्शन से ही इनका दुकानदारी चलती है, चाय का काम चलता है। और ये आगे मेट्रो स्टेशन की जो पार्किंग है, ये यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं, जो अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं यहाँ करते हैं। ये हालांकि मेन रोड है, लेकिन भारतीय संविधान के तहत यहाँ पर जो अपना अधिकार मांगने के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आज एनजीटी ने ये बताया है कि यहाँ ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के कारण जो लाउड स्पीकर वगैरह बजाते हैं, शोर शराबा करते हैं, नारेबाजी लगाते हैं, उसके तहत यहाँ जो वातावरण को खतरा है। यह एक ये प्रदर्शन जो चल रहा है अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ, ये 5 तारीख से 6 तारीख को अभी कुछ देर में अंत होने जा रहा है। लेकिन आंगनबाड़ी में जो काम करती हैं वो महिलाएं काम करती हैं, लेकिन जो एनजीओ चलाते हैं वो जेंट्स लोग चलाते हैं। ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा के ये लोग हैं, और ये जो एनजीओ है यह केंद्रीय कार्यालय 252/1 बीपी सिंह कैंप रेलवे कॉलोनी तुगलकाबाद। ये कुछ ऐसे एनजीओ होते हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए, महिला को गुमराह करने के लिए, जो सीधी साधी महिलाएं होती हैं उनको इकट्ठा करके अपने एनजीओ को चलाते हैं और अपना दाल गलाते हैं। इसी तरीके से आगे भी मैं आगे लेके चलता हूँ। और ये रोड जो एक ग्रीन बेल्ट कहा जाता है एनजीटी के तहत, इस रोड को प्रदूषण और वायु प्रदूषण के तहत इसको माना गया है कि इससे नुकसान होता है।